हाय गाइस, आज हम लोग सर्च फिल्टर के बारे में जानेंगे। दी सर्च फिल्टर क्लास सपोर्ट्स सिंपल सिंगल क्वेरी पैरामीटर बेस्ड सर्चिंग एंड इज बेस्ड ऑन दी जेंगो एडमिन सर्च फंक्शनैलिटी। तो जेंगो एडमिन सर्च फंक्शनैलिटी के बेस पर ये है और ये वेरी इजी सा है, आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट आसानी से। दी सर्च फिल्टर क्लास विल ओनली बी अप्लाइड इफ़ दी व्यू हैज़ अ सर्च अंडरस्कोर फील्ड्स एट्रीब्यूट सेट। तो ये एट्रीब्यूट सेट होना बेहद ही जरूरी है, तभी आपका सर्च फिल्टर काम करने वाला है। दी सर्च अंडरस्कोर फील्ड्स एट्रीब्यूट शुड बी अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ टेक्स्ट टाइप फील्ड्स ऑन दी मॉडल सच एज कैर फील्ड और टेक्स्ट फील्ड। तो कैर फील्ड और टेक्स्ट फील्ड होना चाहिए, उसी तरीके का होना चाहिए, तभी आपका सर्च काम करेगा। अभी इसको कैसे यूज़ करना है वह देखिए। पहले आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा सर्च फिल्टर को रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट फिल्टर्स में से। फिर आप जो भी अपना क्लास बनाते हैं लिस्ट दिखाने के लिए, वह आपको लिखना है, क्वेरी सेट लिखना है, सिलेक्टेड क्लास लिखना है, फिल्टर्स बैक एंड में यहाँ पर आपको अब सर्च फिल्टर लिखना है। पहले हम लोग जेंगो करके लिखते थे, बट अब वह नहीं यूज करना, अब हमें यूज़ करना है सर्च फिल्टर। देन आपको सर्च फील्ड्स यहाँ पर डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर सिटी किया हुआ, तो इस का मतलब क्या हुआ कि आप सिटी के तौर पर सिटी को लिख कर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर जानना है रांची से कौन कौन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि स्टूडेंट API / क्वेश्चन मार्क सर्च, या आपको सर्च ही लिखना है। इसको कैसे चेंज करेंगे, सर्च की जगह पर कुछ और कैसे आप लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल आपको सर्च लिखना है इक्वल और सिटी जो भी होगा वो आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ रांची लिखा, तो रांची से जो जो भी हमारे पास रिकॉर्ड होगा, जिसका जिस भी रिकॉर्ड का, जिस जिस भी स्टूडेंट का सिटी रांची होगा, वह रिकॉर्ड हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको क्विकली इतना दिखाता हूँ, फिर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली ही बता दूंगा डायरेक्ट। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट GS35। इसके अंदर चलते हैं, GS35 के अंदर पुराने वाले को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बिकॉज पुराने वाले से ही हमारा काम हो जाएगा। इसको कॉपी किया, डेटाबेस को कॉपी किया, दोनों को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया। हम लोग आते हैं URLs में, URLs को पूरे को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग इसमें आएंगे नए वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ पर से इसको पेस्ट कर देंगे। सेटिंग्स में भी आना है, सेटिंग्स में से भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये तीन चीज़ें हमें कॉपी करनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने कॉपी किया। और नए वाले में आते हैं और यहाँ पर हमें इसको पेस्ट कर देना। वेल इंडेंट करते हुए हम लोग सेटिंग्स फाइल को क्लोज कर देते हैं और चलाते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास मॉडल सेटिंग्स फाइल जिसमें ये है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल जिसमें ये है, सीरियलाइजर है जिसमें ये है, और व्यू है जिसमें ये है। अभी हमें नहीं चाहिए ये, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये दो चीज़ें, दो तीन चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो मैंने इन सब को यहाँ से गायब कर दिया। और अगर हम लोग अभी इसको रन करते हैं, मैं अगर सर्वर स्टार्ट करूँ, इसमें मैंने सर्वर स्टार्ट किया, हमारा सर्वर चल रहा है। अभी अगर इसको रिफ्रेश करें हम लोग, देखिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा स्टूडेंट API, तो हमें सारा डेटा यहाँ पर दिखाई देता है। और इसमें से हम लोग अभी तक हमने सर्च फंक्शनैलिटीज़ में ऑन नहीं किया, तो हमें सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है और यहाँ से होगा भी नहीं। तो सर्च इसमें इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट आपको करना है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट फिल्टर्स, और इंपोर्ट करना है सर्च फिल्टर को। सर्च फिल्टर को इंपोर्ट करने के बाद आपको किस क्लास में लगाना है, उस क्लास में जाना है और फिल्टर बैकेंड्स इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखना है सर्च फिल्टर। अभी ये तभी काम करेगा जब इसमें आप सर्च किसके बेस पर करना है वह इसमें मेंशन करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है सर्च अंडरस्कोर फील्ड्स और इक्वल देकर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सिटी के बेस पर आपको सर्च करना है। तो मैंने इसको सेव कर दिया, अभी हमारा सर्च हो सकता है। अभी सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, ये क्लाइंट को पता होना चाहिए, उसके API का डॉक्यूमेंटेशन आप लिख सकते हैं कि कैसे सर्च करना है क्लाइंट को। इसमें रिफ्रेश किया और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क देना है आपको, सर्च लिखना है। सर्च लिखने के बाद आप इक्वल लिखिए, इक्वल लिखने के बाद आप सिटी ने सिटी लिखा हो तो सिटी के बेस पर, जैसे रांची है तो रांची के बेस पर आप सर्च कर सकते हैं। तो रांची से जो जो भी होगा वो आपको दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर बोकारो से कोई है तो बोकारो यहाँ पर लिखिए, बोकारो आप लिखेंगे, बोकारो से जो भी बंदा होगा वो आपको दिखाई देगा। अगर कोई ऐसा लिख देते हैं जो कि नहीं है, जैसे मैंने धनबाद लिख दिया और धनबाद है ही नहीं, तो उसका कोई भी रिकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आप ये पूरा हटा देंगे, फिर सबको सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये हमारा सर्च करने का तरीका हो गया। जब आप ब्राउजेबल API यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर फिल्टर्स का एक बटन मिलता है, तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे रांची यहाँ लिखिए और सर्च में क्लिक कीजिए,
देखिए आपको जो भी आँची से वह सर्च होकर मिल जाता है। तो ये सर्च करने का तरीका देखिए, यहाँ पर अपने आप ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये तरीका हो गया सर्च करने का। अभी अगर नाम से सर्च करना, जैसे मैं चाहता हूँ कि सोनम जिसका नाम है वह दिखे मुझे, तो मैं यहाँ पर अगर सोनम लिखूँ, सोनम लिखा मैंने, तो मुझे कोई भी डाटा दिखाई नहीं देता, बिकॉज़ मैंने सिटी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सिटी लिखा हुआ था, सिटी के बेस पर ही सर्च होगा। अगर मुझे सिटी और नाम दोनों से सर्च होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मल्टीपल वैल्यू दे सकता हूँ कि नेम और सिटी के बेस पर हमारा सर्च सक्सेस होना चाहिए। तो वह नेम लिखे या सिटी लिखे सर्च हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैं कमेंट करके इसको ऊपर वाले को ये नेम हटा देता हूँ, ये यहाँ से हटा दे, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये कोड आपको मिलेगा तो ये लिखा हुआ रहेगा। अभी मैंने इसको सेव किया, अभी हमारा नेम और सिटी दोनों में से कोई भी आप लिखेंगे तो आपका सर्च हो जाएगा। मैं अगर अभी देखिए, मैंने अभी सोनम लिखा हुआ है, अभी ये मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ। ये मैंने अभी इसको पूरे को हटा दिया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, हमें सारा डेटा दिखाई देता है। अभी हमें सर्च करना है, सर्च करना है मान लीजिए मुझे सिटी से, तो मैं लिखूँगा सर्च इक्वल रांची, रांची लिखा। अभी रांची से हमें सिटी से सर्च होकर मिल जा रहा है। अब मुझे नाम से सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर नाम भी लिख सकता हूँ कि सोनम, तो जिसका भी नाम सोनम होगा वह हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी आपके पास दो पैरामीटर्स हैं जिसके अगेंस्ट में आप सर्च कर रहे होते हैं, जिसके बेस पर आप सर्च कर रहे होते हैं, एक है नेम और दूसरा है सिटी। और भी हो तो आप यहाँ पर और भी मेंशन कर सकते हैं, तो उसके बेस पर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप फिल्टर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सोनम लिखा तो सोनम मिल रहा है, अगर आप अगर सिटी लिखेंगे तो सिटी से भी यहाँ हो जाएगा। मैं बोकारो लिख कर आपको दिखाता हूँ, देखिए सर्च किया तो बोकारो से जो जो भी वो आपको दिखाई देता है। तो ब्राज़ील API का जो हमें बटन मिलता है उस वो अभी हमारा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी तक जो कुछ भी हमने देखा सर्च करने का, उसके अलावा हमारे पास ये कैरेट का साइन सिंबल है जिसके थ्रू भी आप सर्च करें। ये कहता है कि स्टार्ट विथ कोई भी एक कैरेक्टर आपने दे दिया तो उसके बेस पर ये सर्च करेगा। उसके इक्वल सिंबल देते, एग्जैक्ट मैच जो होगा उस पर दिखेगा। फिर 8 सिंबल से फुल टेक्स्ट सर्च, ये करेंटली सपोर्ट करता है सिर्फ जेंगो के पोस्टग्रेस एसक्यूएल पर। और ये डॉलर सिंबल जो कि रेजिक सर्च अगर आपको करना था, डॉलर सिंबल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है, कैसे लिखना, कैसे आपको सर्च फील्ड और यहाँ पर अपने कैरेट का सिंबल दिया और अपने नेम लिखा, तो कैसे सर्च करना है। जब भी आप इसमें मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए, आपने कैरेट का सिंबल दिया और नेम लिखा, तो नेम में कोई भी एक ऐसा लेटर लिख दीजिए स्टार्ट विथ करके चलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देख लीजिए सर्च करने का तरीका, आपको इस क्वेश्चन मार्क सर्च इक्वल आर लिखा, तो आर से जो जो भी नाम शुरू होगा वह सारा आपको मिल जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले चूज़ कर लीजिए कि किसके बेस पर आपको करना है। मुझे करना है नेम के बेस पर, तो मैं क्या करता हूँ, आप सिटी पर भी कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नेम पर कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये सिंबल मुझे देना है, तो मैंने दे दिया। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्टार्ट विथ कीजिए, आप कोई भी करेक्टर लिखिए और उस करेक्टर से जो भी नाम स्टार्ट होगा वह आपको सर्च होकर मिल जाएगा। अगर सिटी लिखते हैं और कोई करेक्टर लिखते हैं तो उस करेक्टर के बेस पर जो भी सिटी होता वह आपको मिल जाता। तो मैंने नेम पर लिखा है, तो नेम पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आइए और इसको पूरे कटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए सारा डेटा भी हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सर्च होकर मिले, क्वेश्चन मार्क लिखा और सर्च लिखा इक्वल, और जो भी आर से स्टार्ट हो रहा है वह मुझे मिले, यानी कि जो भी नाम, नाम क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम में ये लगाया हुआ है, जो भी नाम यहाँ जो आर लिखा उसके बेस पर, यानी कि जो भी नाम आर से स्टार्ट होता है वह मुझे सर्च करके दो। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो उधर आर, राहुल आर से स्टार्ट होता है, राज आर से स्टार्ट होता है, तो दो में मिल गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एस लिख दूँ तो जो भी नाम एस से स्टार्ट होता है वह मुझे दो, तो मुझे यहाँ सोनम मिल रही है। एक ही नाम है एस से, तो सोनम मिल गई। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए लिख दूँ तो जो भी नाम ए से स्टार्ट होता है वह मुझे दो, तो मुझे अली मिल रहा है। इस तरीके से आप स्टार्ट्स विथ का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से इक्वल सिंबल अगर यहाँ पर आप लिखते हैं तो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। इक्वल अगर मैं लिख दूँ तो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, जो भी आप यहाँ पर करेक्टर लिखेंगे सर्च में यहाँ पर वह एग्जैक्ट मैच करेगा जिस भी रिकॉर्ड से, वह रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके जी, उस तरीके से रिजेक्ट्स का है, तो फिलहाल के लिए मैं रख देता हूँ ये वाला आपके एग्जाम्पल के लिए, और इसको कर देता हूँ हाईलाइट। तो एक ये तरीका हो गया। अभी सिटी का हमने यहाँ पर किया हुआ है, अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ कि सिटी का मैंने किया, आप यहाँ पर सिटी लिख सकते हैं आसानी से कोई सा भी। मैंने रांची लिख दिया तो शुरुआत में मैं चला आया, और मेरे रांची से जो जो भी बंदा है जिसकी जिसकी भी सिटी रांची, वो हमें दिखाई देता है।
अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पर सर्च ही आपको लिखना, आप कुछ और लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सर्च की जगह पर गीकी सोस और मैंने इक्वल रांची लिखा, तो उस केस में आपको क्या होगा, आपका सारा रिकॉर्ड आपको दिखा देगा, ये सर्च नहीं हुआ। तो आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर सर्च की जगह पर मैं जो चाहता हूँ वह लिखा जाए और उसके बेस उस मतलब एक सेंटेंस के तौर पर यहाँ पर वह दिखे, क्वेरी स्ट्रिंग के तौर पर यहाँ पर दिखे। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, सर्च सर्च ही आपको लिखना है, सर्च इक्वल ही करके आपको लिखना होता है। अगर आप इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स डॉट पी फाइल में आइए, ये सेटिंग्स डॉट पी फाइल यहाँ पर, और इसके सबसे नीचे चलिए। आप कहीं भी लिख सकते हैं वैसे, बट मैं नीचे ही लिखता हूँ जो भी मुझे लिखना होता है एक्स्ट्रा। यहाँ पर आपको रेस्ट फ्रेमवर्क, अगर पहले से ये लिखा हुआ होगा तो दोबारा से नहीं लिखना, उसी के अंदर में आपको लिखना होता है, बट मेरा लिखा हुआ नहीं तो मैं रेस्ट फ्रेमवर्क लिख रहा हूँ। रेस्ट फ्रेमवर्क इक्वल कर लिए अपन, कर लिख लो। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको लिखना है, सर्च अंडरस्कोर पारम, सर्च अंडरस्कोर पारम लिखिए, और यहाँ पर आप वह लिखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है, अभी अभी के लिए है सर्च, ये डिफ़ॉल्ट सेटअप है इसमें लिखा हुआ है, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको आपने चेंज करके कर दिया क्यू, क्यू पर क्वेरी, तो हमने क्यू लिख दिया। अब आप यहाँ पर सर्च की जगह पर क्यू लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अगर क्यू लिखूँ क्यू इक्वल रांची, तो मुझे रांची से जो जो भी होगा वह दिखाई देगा। अगर अभी मैं इसमें लिख दूँ सर्च और मैं एंटर प्रेस करूँ, तो मुझे अब ये सर्च काम नहीं करेगा बिकॉज हमने सर्च की जगह पर क्यू कर दिया है, अब ये क्यू से ही काम करेगा। तो आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं यहाँ पर इसका वैल्यू देकर, सर्च परम का वैल्यू देकर। ओके, तो ये एक काम आपको करना है अगर आप करना चाहते हैं तो। वैसे यहाँ पर सर्च काफ़ी अच्छा है, सर्च लिखना भी कोई गलत नहीं है, मगर फिर भी अगर कोई चेंज करना चाहे तो वह कर सकता है। तो ये तरीका है सर्च करने का और सर्च फिल्टर को यूज़ करने का। होपफुली आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।